हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार। इससे पहले हमने कक्षा 11 की वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा जो कवक होते हैं, कवकों में जनन होता है कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हमने जो इसका पहला प्रकार बताया था, इसमें बताया था हमने कि जो कवकों में जो जनन होता है सबसे पहला होता है कायिक जनन या वर्धी जनन। तो उसके बारे में इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो बात करेंगे इसमें जो अलिंगी जनन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो लैंगिक जनन है यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कवकों में जो फंजाई होते हैं उनमें किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी अलैंगिक जनन या अलिंगी जनन की, यानी कि जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, उनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है, कितनी विधियों से होता है। देखिए, जो कवक होते हैं उनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, वो तीन विधियों से होता है। सबसे पहली जो विधि है चल बीजाणु द्वारा, यानी कि बाय जूस्पोर। तो जो हमारे जो चल बीजाणु होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो चल बीजाणु धानी के अंतर्गत होता है। इनमें किसी में एक या दो कशाविका पाई जाती है और ये एक केंद्रक वाली रचनाएं होती है। कितनी होती है? एक केंद्रक वाली रचनाएं होती है। इनमें एक एक केंद्रक पाया जाता है और इनमें जो कशाविका होती है वो एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। तो जो सबसे पहला जो विधि है इसकी, वो हमारी चल बीजाणुओं के द्वारा। तो सबसे पहला इसमें बताया कि ये एक नाशपत्ति के आकार की रचना होती है और जो चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणु धानी के अंदर ही होता है। और ये कैसी होती है? नाशपत्ति के आकार की एक केंद्रक वाली रचनाएं होती है। इनमें जो कशाविका होती है वो एक या दो भी हो सकते हैं। इसकी जो दूसरी विधि है वो है अचल बीजाणु धानी का बाय एप्लेनोस्पोर। बाय एप्लेनोस्पोर में क्या होता है कि जो अचल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो अचल बीजाणु धानी के अंदर ही होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कशाविका नहीं पाई जाती। कशाविका क्या होती है? इसके चलने वाले अंग होते हैं, जो फ्लेजिला होते हैं, इनमें कशाविका नहीं पाई जाती। इनमें नए तंतु बनते हैं और नए तंतुओं से क्या होता है? नए कवकों का निर्माण होता है। तीसरी विधि है इसकी कोनेडिया द्वारा या कर्ण द्वारा, बाई कोनेडिया। इसमें क्या होता है? जो इसमें जो जो बीजाणु होते हैं वो अचल होते हैं और बहिर्जात होते हैं, यानी कि जो कोनेडिया द्वारा जो जनन होता है, इसमें क्या होता है? जो बीजाणु होते हैं कैसे होते हैं? तो अचल होते हैं, चल के चलते नहीं, गति नहीं करते हैं। और दूसरा बाहर की ओर होते हैं, बहिर्जात होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कवक सूत्र होते हैं, हमारा क्या है? ये कवक सूत्र है। ये क्या बना हुआ? कवक सूत्र है। तो कवक सूत्र के ऊपर क्या होता है? जो अग्रभाग, यानी कि कवक सूत्र का जो आगे का भाग होता है, उस पर जो कोनिडिया, उसे हम कोनिडिया फोर बोलते हैं या कर्णाधर बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है? ये हमारे जो कोनिडिया हैं वो उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो कोनिडिया, जो इसके जो बीजाणु हैं वो कोनिडिया द्वारा, क्या इसमें क्या बताया हमने आपको कि कैसे बीजाणु हैं? एक तो है हमारे अचर और दूसरा है बहिर्जात बीजाणु। और ये जो कवक सूत्र है उसके अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं, यानी जो कवक सूत्र है, कवक सूत्र का अग्रभाग, या हम ये कह सकते हैं कवक सूत्र के अग्रभाग पर और कर्णाधर या कोनिडिया फोर पर उत्पन्न होते हैं। और ये जो कोनिडिया फोर पर उत्पन्न होते हैं, और इनमें क्या होता है? ये एक सिंगल रूप में भी हो सकते हैं और ये कैसे होते हैं? चेन के रूप में भी हो सकते हैं, श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये इसकी तीन विधियां किसकी? कवकों में जो अलैंगिक जनन है उसकी। सबसे पहली विधि हमने बताया चल बीजाणु द्वारा बाय जूस्पोर, यानी इसमें बताया कि चल बीजाणुओं का जो निर्माण है चल बीजाणु धानी के अंदर होता है, चल बीजाणु धानी है और ये नाशपत्ति के आकार की एक केंद्रक वाली रचना होती है। इनमें एक या दो कशाविका भी पाई जाती है। तो उसके बाद दूसरी बताया हमने अचल बीजाणुओं द्वारा बाय एप्लेनोस्पोर, यानी कि जो अचल बीजाणु है उनका निर्माण कहाँ होता है? अचल बीजाणु धानी के अंतर्गत होता है। और उनमें कशाविका, जो कशाविका बनी हुई है, इनमें कशाविका नहीं पाई जाती, नए तंतु बनते हैं, नए तंतुओं से ही नए उसका कवकों का निर्माण होता है। उसके बाद है कोनिडिया या कर्ण द्वारा, जो कोनिडिया कर्ण द्वारा इस विधि में क्या होता है? इसमें जो बीजाणु होते हैं वो अचल होते हैं और बहिर्जात होते हैं। और जो कवक सूत्र होता है, ये कवक सूत्र के अग्रभाग पर कर्णाधर पर क्या होता है? ये उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो कवक सूत्र का जो अग्रभाग है उसका आगे का भाग है और ये कर्णाधर है, कोनिडिया फोर है, इस पर ये क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। और ये अकेले भी हो सकते हैं और चेन के रूप में भी हो सकते हैं। उसके बाद है जो कवक है, कवकों में लैंगिक जनन या लिंगिक जनन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। जो कवक होते हैं कवकों में, ये जो लैंगिक जनन है ये बहुत कम विकसित होता है। पहली बात तो होता ही नहीं एक प्रकार से, अगर ये भी कहें कि होता भी है तो वो कैसा होता है? बहुत ही कम विकसित होता है। और ये जो लैंगिक जनन है ये दो गैमिट्स होते हैं, मेल और फीमेल, उनके जुड़ने के द्वारा होता है। यानी कि जो कवकों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? दो युग्मकों के जुड़ने के द्वारा होता है। सबसे पहला इसमें क्या करें, इसकी जो तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाओं के बारे में पहले विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी जो तीन अवस्था, सबसे पहली है कोशाद्रव्य संलयन या कोशिका द्रव्य संलयन, यानी कि प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है? इस विधि में दो जीव द्रव्यों का संलयन होता है, यानी कि जो दो जीव द्रव्य होते हैं उन जो जीव द्रव्य का संलयन होता है, संलयन का मतलब जुड़ना,
हम ये भी कह सकते हैं कि दो जीव द्रव्य आपस में जुड़ते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दो जीव द्रव्य का संलयन होता है। और जीव द्रव्य का संलयन होगा तो जो केंद्रक बनेंगे वो केंद्रक कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे, अगुणित होंगे, और वो पास पास आ जाएंगे। कैसे होगा, दो जीव द्रव्य का इस समय संलयन होगा तो जो इसमें जो अगुणित केंद्रक बनेंगे, हैप्लोइड केंद्रक बनेंगे, वो क्या होगा, वो पास पास आ जाएंगे। फिर नंबर दो विधि है इसमें केंद्रक संलयन, जो इसमें कोशिका द्रव्य संलयन के द्वारा जो हमारे पास पास जो दो केंद्रक आए थे वो क्या होगा, वो आपस में जुड़कर क्या होंगे, एक जायगोट बना लेंगे। यानी कि जो इसमें जो हमारे जो दो केंद्रक हैं, सबसे पहले जीव द्रव्य का संलयन हुआ, जीव द्रव्य आपस में जुड़ा, उसके बाद दो जो अगुणित केंद्रक है वो पास पास आ गए, और जो दो अगुणित केंद्रक है वो पास पास आने से क्या होगा, अगली विधि में जो केंद्रक संलयन है वो जो दो हमारे अगुणित केंद्रक है वो क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, जायगोट बना लेंगे। उसके बाद तीसरी विधि है इसमें अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। क्या होता है इसमें, क्या होगा, जो जायगोट ये जो विभाजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या अधिक करने के लिए विभाजन होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कैसे होगा, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या अधिक करने के लिए। तो जो लैंगिक जनन है वो फिर निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला है इसमें चल युग्म की संलयन, यानी कि संयुग्मन। इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि जो गैमिट्स होते हैं, जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होते हैं, उनका क्या होता है, वे आपस में जुड़ते हैं, यानी कि उनका संलयन होता है। इसमें सबसे पहला है, अब ये हमारा ये तीन प्रकार का है, ए बी सी, मतलब समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। यानी कि जो समयुग्मकी है इसमें क्या होगा, जो बीजामर युग्मक होते हैं वो आकार में समान और कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं समयुग्मकी। यानी कि क्या होता है इसमें, इस प्रकार इसमें ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसमें जो हमारे जो युग्मक हैं वो युग्मक कैसे होंगे, वो आकार में समान होंगे, कार्य में भिन्न होंगे, उन्हें बोलते हैं समयुग्मकी। तो इसमें जो हमारा नंबर दो है इसमें असमयुग्मकी, इसमें जो ऐसे युग्मक जो आकार में और कार्य में दोनों भिन्न हो, यानी कार्य में भिन्न हो और उनकी आकृति भी भिन्न हो, उन्हें बोलते हैं असमयुग्मकी। उसके बाद तीसरी है विषमयुग्मकी, जो विषमयुग्मकी है इसमें जो संयोजन करने वाले जो युग्मक हैं, यानी कि जो जुड़ने वाले युग्मक हैं, उनमें दो युग्मक बनते हैं। तो जो नर युग्मक होता है वो तो चल होता है, यानी कि वो तो मोटाइल होता है, गति करता है, और जो मादा युग्मक होता है वो क्या करता है, वो गति नहीं करता, यानी कि वो अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद नंबर एक था, नंबर एक के पार्ट थे। फिर नंबर दो आ गया हमारा युग्मक धान्य संपर्क, इसका उदाहरण है सिस्टोफल। इसमें क्या होता है, जो एक युग्मक धानी से जो युग्मक बनते हैं वो सीधे ही किसी में दूसरी युग्मक धानी में चले जाते हैं, यानी कि एक युग्मक धानी में जो हमारे जो युग्मक बनेंगे वो सीधे कहाँ चले जाएंगे, दूसरी युग्मक धानी में चले जाएंगे। तो इसमें और फिर उनका आपस में क्या होगा, संलयन होगा, यानी कि वो आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, तो जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक धानी है उसे बोलते हैं एंथीडियम, यानी कि पुंधानी। उसे क्या बोलते हैं, पुंधानी, जो नर युग्मक धानी है पुंधानी एंथीडियम, और जो हमारी युग्मक जो मादा युग्मक धानी से क्या बोलते हैं, उगोनियम। उसे बोलते हैं उगोनियम, यानी कि स्त्री धानी। तो जो हमारी जब नर युग्मक धानी से, यानी कि पुंधानी से जो हमारे जो युग्मक हैं, जब वो कहाँ जाते हैं, स्त्री धानी में जाते हैं, तो जो नर युग्मक धानी है वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसके बाद है युग्मक धानी संयुग्मन, इसकी थर्ड विधि है युग्मक धान्य संयुग्मन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो युग्मक धान्य के इसमें जो युग्मक बनते हैं, जो युग्मक धान्य है, युग्मक धान्य के जितने भी भाग होते हैं, चाहे कुछ भी भाग हो उसका, उन सब भागों का क्या होता है, आपस में संलयन होता है। यानी कि जो युग्मक धान्य संयुग्मन का मतलब युग्मक धान्य के जितने भी भाग होते हैं, यानी कि इस प्रकार से इसे ये कह सकते हैं कि युग्मक धान्य के संपूर्ण भागों का क्या होता है, इसमें संयुग्मन, यानी कि आपस में संलयन होता है। उसके बाद इसका उदाहरण है राइजोपस। उसके बाद है इसमें अचल पुमणु युग्मक, यानी कि जो नर वो जो नर जननांग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पुमणु बोलते हैं। कुछ कवकों में जो नर जननांग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पुमणु बोलते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं और एक केंद्रक वाले होते हैं, और जो मादा युग्मक धानी होती है उसके सीधे संपर्क में रहते हैं, ये जो अचल पुमणु है हमारे, यानी कि नॉन मोटाइल है। तो इसमें क्या आता है, ये कुछ जो कवक होते हैं उनमें नर जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, पुमणु पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं और एक केंद्रक वाले होते हैं, और मादा युग्मक धानी के सीधे ही संपर्क में रहते हैं। उसके बाद इसकी लास्ट विधि है, वो है काई युग्मन। जो कुछ हमारे कवक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, लैंगिक जननांग स्पष्ट नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन करने वाले अंग हैं, लैंगिक जननांग है, वो क्या होते हैं, वो स्पष्ट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो सामान्य कोशिकाएं मिलकर, आप दो सामान्य जो कोशिकाएं होती हैं उनके जो केंद्रक हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, जायगोट बना लेते हैं। तो इसे कहते हैं काय युग्मन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कवकों का आर्थिक महत्व, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कवकों का जो आर्थिक महत्व, जो कवक होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ कवक हमारे लिए
हानिकारक भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में जो इसकी लाभदायक क्रियाएं हैं, यानी कि जो लाभदायक कारक है वो हमारे लिए कौन कौन से हैं और किस किस क्षेत्र में वो हमें लाभ पहुंचाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फिर हानिकारक, हानिकारक कवक कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो सब विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो कवकों का आर्थिक महत्व है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। जो कवक है वो हमारे लाभदायक भी है और हानिकारक भी, दोनों प्रकार से लाभदायक भी और हानिकारक भी, दोनों प्रकार से होते हैं कवक हमारे लिए, लाभदायक भी होते हैं हानिकारक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी लाभदायक क्रियाएं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। लाभदायक क्रियाएं सबसे पहले पढ़ेंगे भोजन के रूप में, नंबर एक है भोजन के रूप में। तो कुछ कवक हमारे ऐसे होते हैं जो भोजन के रूप में प्रयोग में आते हैं, जैसे छत्रक यानी कि मशरूम, छत्रक यानी कि मशरूम और एगेरिकस, यह इस प्रकार लिख दो, गुच्छी। कुछ कवक जो है हमारे, जैसे छत्रक है, मशरूम है, गुच्छी है, ये क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में खाने के काम में आते हैं। और छत्रक की और गुच्छी की खेती भी की जाती है और इनमें लाभदायक क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन है और जो विटामिन है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो ये कवक हमारे छत्रक है और जो गुच्छी है, इन कवकों में क्या होता है, जो प्रोटीन है और विटामिन है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये हमारे लिए खाने के काम में आते हैं। उसके बाद है नंबर दो, उद्योगों में। कुछ कवक हमारे उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ कवक क्या होते हैं उद्योगों में भी प्रयोग किए जाते हैं। नंबर तीन है पनीर उद्योग में, कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी, और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये क्या करते हैं, पनीर बनाने के काम में आते हैं। कुछ कवक हमारे होते हैं कौन कौन से, जो होते हैं पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये क्या करते हैं, ये पनीर उद्योग में काम आते हैं, इनके पनीर बनाने के काम में आते हैं। नंबर चार है डबल रोटी उद्योग में, कुछ कवक कुछ हमारे जो यीस्ट हैं जैसे सैक्रोमाइसिस, कुछ यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस, सेरेबीसी, क्या होता है सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी, ये क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी ये क्या कहते हैं, डबल रोटी बनाने के काम में आते हैं। जो डबल रोटी बनती है उस डबल रोटी बनाने में जो हमारे सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी नाम के जो कवक हैं वो काम में आते हैं। उसके बाद है अल्कोहल उद्योग में, जो अल्कोहल है इसमें क्या होता है, जो यीस्ट है यीस्ट द्वारा क्या होता है, जो शर्करा विलयन होता है, हमारा जो शर्करा का विलयन होता है उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसका किण्वीकरण होता है, और जिससे क्या बनता है हमारा एथिल अल्कोहल, क्या बनता है एथिल अल्कोहल। इसमें क्या होता है यीस्ट द्वारा क्या किया जाता है,
जो हमारी जो शर्करा का विलयन होता है, उस शर्करा विलयन का किण्वीकरण यानी कि उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, जिससे क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। और क्योंकि जो यीस्ट होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम। जो यीस्ट होता है, यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जाइम एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, इसका किण्वीकरण करता है। उसके बाद अगला है हमारा भूमि की उर्वरता में, भूमि की उर्वरता में देखिए, जो हमारे मर्तोपजीवी कवक होते हैं, मर्तोपजीवी कवक का मतलब जो हमारे मरे हुए जो सड़े गले भोजन, भोज्य सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, भोज्य प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं मर्तोपजीवी। तो जो हमारे मर्तोपजीवी कवक होते हैं वो क्या करते हैं, जो मर्तोपजीवी कवक होते हैं वो क्या करते हैं, मृत शरीर के जो कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो मृत शरीर होता है किसी भी जीव का, उस मृत जीव का शरीर जो है उसका अपघटन कर देते हैं और कुछ लवण पदार्थ बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जो मिट्टी में मिलके फिर क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उसके बाद है हमारा औषधि के निर्माण में, कुछ कवक हमारे क्या करते हैं, वो औषधि के बनाने के काम में भी आते हैं, यानी कि जिनसे क्या बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। कुछ कवक क्या होते हैं, वो औषधि निर्माण में काम आते हैं, यानी कि उनसे क्या बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, जैसे पेंसिलिन, जो पेंसिलिन, जो हमारी पेंसिलिन जो हमारी एंटीबायोटिक है वो कहाँ से बनती है, वो पेंसिलियम नोटेटम द्वारा बनती है। जो औषधि के निर्माण में क्या आता है, जो एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे कहाँ से बनती हैं, कवकों के द्वारा बनती हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया पेंसिलिन का, जो पेंसिलिन हमारे एंटीबायोटिक है वो कौन से कवक के द्वारा बनती है, पेंसिलियम नोटेटम के द्वारा। तो ये तो है इसकी लाभदायक क्रिया, अब पढ़ेंगे इसकी हानिकारक क्रियाएँ। नंबर दो पार्ट है इसका हानिकारक क्रियाएँ, यानी कि हार्मफुल एक्टिविटीज़। ये तो हमारे लिए लाभदायक के रूप, जो लाभदायक क्रियाएं हैं, भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उद्योगों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, पनीर उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी उद्योग में, एल्कोहल उद्योग में, भूमि की उर्वरता में और औषधि के निर्माण में भी क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ कवक हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ये तो लाभदायक हुए, कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो जो हानिकारक क्रियाएं हैं वो हानिकारक किस प्रकार पड़ेंगे, कुछ कवक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मनुष्य होते हैं मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्परजिलस, नाइजर और एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर से और एस्परजिलस वो है फ्लेविस। ये क्या करते हैं, मनुष्य में फेफड़ों का रोग होता है, उसका नाम है एस्परजिलोसिस। तो जो कुछ कवक, जैसे हमने बताया इन्होंने, कुछ कवक मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्परजिलस नाइजर है और एस्परजिलस फ्लेविस है। ये क्या करते हैं, मनुष्य में फेफड़ों का एक रोग होता है, एक बीमारी होती है, उसका नाम है एस्परजिलोसिस। तो ये एस्परजिलोसिस बीमारी है, इस बीमारी को उत्पन्न करने का काम कौन करते हैं, हमारे ये दो कवक देख रखे हैं, एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लेविस। उसके साथ साथ इसमें हमारे कुछ जो कवक, ये नाक कान और गले के रोग उत्पन्न जो कवक होते हैं वो नाक कान और गले के रोग उत्पन्न करते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, एक होता है हमारा वो होता है दाद, दाद यानी कि रिंग वर्म। जैसे ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम,
जो दाद रोग होता है आजकल बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है, तो ट्राइकोफाइटोन और जो माइक्रोस्पोरम नाम के जो कवक हैं वो क्या करते हैं, इस दाद रोग को फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद बहुत से जो कवक हैं वो क्या करते हैं, पौधों में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारा सेब है, सेब में एक लाल गलन नामक बीमारी आती है। जो सेब है, सेब में लाल गलन नामक एक बीमारी आती है, वो आती है सेब के पौधों में, और उसे आर्मिलेरिया मेलिया कवक, कौन सा होता है, आर्मिलेरिया मेलिया जो हमारा कवक होता है वो इस रोग को उत्पन्न करता है। कौन से रोग को, जो सेब में लाल गलन नामक बीमारी होती है, आर्मिलेरिया मेलिया नामक कवक इसे क्या करता है, उत्पन्न करता है। कुछ कवक है हमारे जैसे राइजोपस, म्यूकर, ये क्या, इनके जो बीजाणु होते हैं, जो राइजोपस है, म्यूकर है, इनके जो बीजाणु होते हैं वो वायु द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे खुले अचार है, मुरब्बा है, रोटी है, फल है, तो इस प्रकार के जो हमारे पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, उनमें जो कवक का सूत्र होता है, यानी कि उनमें क्या करते हैं, ये कवक सूत्र उत्पन्न कर देते हैं, यानी कवक सूत्र फैलाते हैं और उन रोगों, उन खाने वाली चीज़ों को ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे राइजोपस, मैंने बताया राइजोपस म्यूकर हैं, ये क्या करते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं वो वायु द्वारा जो हमारे खुले हुए जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, जेली है, रोटी है, तो उसमें क्या करते हैं, ये उन पर ये क्या करते हैं, कवक सूत्र उत्पन्न कर देते हैं। इनके जो कवक सूत्र हैं, जो कवक हैं, वे छोटे छोटे जो कवक सूत्र क्या होते हैं, छोटी छोटी रुई के जैसे, इनके धागों की जैसी संरचना होती है, उसे उत्पन्न कर देते हैं और वो फिर क्या करते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ कवक हमारे साथ साथ क्या करते हैं, जो हमारे चमड़ा, कागज, कैमरे का लेंस, इन्हें भी क्या कर देते हैं, इन्हें भी सड़ा देते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं एक प्रकार से। तो आज हमने जो कवक, इसके बारे में जिसके अलैंगिक और लैंगिक जनन पढ़ा, उनकी विधियां पढ़ी, कवकों का आर्थिक महत्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सबसे पहले हमने बताया कि जो कवक होते हैं वो हमारे लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक कौन कौन से रूप में होते हैं, सबसे पहले भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, इसे भोजन के रूप में भी लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कुछ कवक हमारे जैसे छत्रक है, गुच्छी है, ये क्या करते हैं, ये हमारे खाने के काम में आते हैं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। इनकी खेती भी की जाती है, छत्रक की भी और गुच्छी की भी खेती की जाती है। दूसरा बात है उद्योगों में, कुछ कवक हमारे ऐसे होते हैं जो उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है पनीर उद्योग में, जैसे हमने बताया कि इसमें हमारे कुछ कवक जैसे पेंसिलियम कोमेंबर्टी है और पेंसिलियम रॉक फोर्टी है। जो पेंसिलियम कोमेंबर्टी और पेंसिलियम रॉक फोर्टी, ये क्या करते हैं, पनीर उद्योग में पनीर बनाने के काम में आते हैं। उसके बाद डबल रोटी उद्योग में, कुछ हमारे यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, ये क्या करते हैं, डबल रोटी उद्योग में काम आते हैं। उसके बाद एल्कोहल उद्योग में, कुछ यीस्ट हमारे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो शर्करा विलयन होता है हमारा, उसका क्या करते हैं, किण्वीकरण कर देते हैं, यानी उसका फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। यीस्ट, जो यीस्ट होता है इसमें होता है जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जो यीस्ट होता है इसके द्वारा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा किण्वीकरण की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया, ये जाइमेज एंजाइम है, इसी के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद है नंबर 6 बताया हमने आपको भूमि की उर्वरता में, जो हमारे मर्तोपजीवी कवक है, मर्तोपजीवी कवक यानी कि जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या करते हैं, जो मृत जीव होते हैं, मृत जीवों के शरीर का क्या करते हैं, पूर्ण अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करने से उनसे कुछ लवण पदार्थ बनते हैं, जो मिट्टी में मिलकर जो हमारी भूमि होती है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। नंबर 7 पॉइंट हमने औषधि के निर्माण में, कुछ कवक हमारे वो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में भी आते हैं, इनकी औषधियों के बनाने के काम में भी आते हैं। जैसे पेंसिलिन हमारी जो एंटीबायोटिक्स है, वह पेंसिलियम नोटेटम जो हमारा फंजाई होता है, कवक होता है, उसके द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद ये तो थी इसके लाभदायक क्रिया, हानिकारक क्रिया बताया हमने बताया कि कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक होने के साथ साथ कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे सबसे पहला बताया एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लेविस, ये हमारे जो फंजाई है, कवक है, ये क्या करते हैं, मनुष्यों में एक फेफड़ों का रोग होता है उसे बोलते हैं एस्परजिलोसिस, उस रोग को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद एक बीमारी बताई हमने मनुष्य में होने वाली, सबसे इसके बाद बताई थी कि जो नाक कान गले के कुछ रोग हैं वो भी कवकों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि दाद है, जो रिंगवर्म है, वो जो ट्राइकोफाइटोन और जो माइक्रोस्पोरम नामक हमारे जो कवक हैं उनके द्वारा होता है।
उसके बाद पौधों के मेरे पौधों में जो सेब होता है, यानी कि जो हमारे वृक्ष होते हैं, वृक्ष में क्या करता है, जो सेब होता है, सेब में लाल गलन नामक एक बीमारी होती है। कौन सी? लाल गलन नामक बीमारी होती है, वह आर्मिलेरिया मेलिया नामक कवक के द्वारा होती है। उसके बाद हमें एक चीज और बताया आपको कि जो राइजोपस है, म्यूकस है, वो क्या करते हैं, ये हमारे जो खुले हुए हमारे अचार है, मुरब्बे हैं, जेली है, रोटी है, फल है, इस प्रकार के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके ऊपर उगते हैं ये और कवक सूत्र बना लेते हैं। कवक सूत्र मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी धागे जैसी, बारीक रुई के जैसी धागों जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें बोलते हैं कवक सूत्र। तो ये जो राइजोपस और म्यूकर आदि जो हमारे कवक हैं, ये क्या करते हैं, उन खुली हुई चीजों पर ये कवक सूत्र बना लेते हैं और उन चीजों को नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े के ऊपर, कागज के ऊपर, कैमरे के लेंस के ऊपर भी उग जाते हैं और उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। तो आज हमने जो इस आपको कवक के जो अलैंगिक जनन है, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है और कवक का आर्थिक महत्व, तीन क्वेश्चन आपको इसको समझाए। तो इस प्रकार जो हमारा जो कवक वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में आपको जो हम लाइकेन के बारे में बताएंगे, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो पूछ लेना। उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।